आस्था और विश्वास का एकमात्र चैनल रतनगढ़ धार्मिक, रतनगढ़ धार्मिक, प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक। मनोजवम मारुति तुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं बानरानामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। जय श्री राधे, जय श्री राम। बोली हनुमान जी महाराज की जय, अंजनी के लाल की जय। आज हनुमान जयंती का पावन अवसर है। आप सभी को मेरी ओर से हनुमान जयंती की शुभकामनाएं। आज ही के दिन भक्त शिरोमणि श्री हनुमान जी महाराज का प्रागट्य हुआ। हनुमान चालीसा में एक चौपाई आती है कि शंकर सुवन केसरी नंदन, भगवान राम की सेवा करने के लिए स्वयं भगवान शंकर ही माता अंजनी के पुत्र बनकर के अवतरित होते हैं। रामायण में आता है कि जब भगवान श्री राम त्रेता युग में अपनी लीला करने के लिए जब धरती पर आते हैं मानव के रूप में, तो स्वयं ब्रह्मा जी जामवंत जी बनकर भगवान की लीला में सहायक बनते हैं और भगवान शंकर हनुमान जी के रूप में प्रभु श्री राम की सेवा करने स्वयं आते हैं। तो शंकर सुवन केसरी नंदन हनुमान जी महाराज हमेशा राम जी की सेवा में संलग्न रहते हैं। हनुमान जी की सबसे बड़ी विशेषता कि हनुमान जी महाराज ने भगवान राम के इतने बड़े बड़े कार्य किए। लंका में जाकर के सीता जी का पता लगाया, संजीवन बूटी लाकर के लक्ष्मण जी के प्राण बचाए आदि अनेकों कार्य किए, लेकिन हनुमान जी महाराज ने अपना स्थान सदैव प्रभु के चरणों में रखा। आज संसार में अगर कोई व्यक्ति थोड़ा सा भी सेवा करता है तो वह भी उसका प्रचार करता है, लेकिन हनुमान जी महाराज ने ऐसा नहीं किया। हनुमान जी का लक्ष्य एकमात्र प्रभु राम की प्रसन्नता, केवल भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं। निस्वार्थ भाव से हनुमान जी ने प्रभु श्री राम की सेवा की है, इसलिए आज सारा विश्व हनुमान जी महाराज को प्रणाम करता है। और इस संसार में सबसे बड़ा कौन है? एक बार देवताओं में ये बात चली कि इस संसार में सबसे बड़ा कौन है, तो मनुष्य ने कहा कि इस संसार में सबसे बड़ा तो मैं हूं। कैसे? बोले, मैं सबसे बड़ा हूं, मैं समझदार हूं।
धरती माता ने कहा कि तुझसे बड़ी तो मैं हूं, क्योंकि तू भी मुझ पे खड़ा है। अब धरती माता को जब अभिमान हुआ तो शेषनाग जी ने कहा कि धरती से भी बड़ा मैं हूं। अब तो ये चर्चा बढ़ती गई और लोगों में जिज्ञासा बढ़ गई कि आखिर संसार में बड़ा है कौन। चलते चलते बात कहाँ तक पहुंची कि मानव कहे कि मैं बड़ा तो पृथ्वी पर क्यों खड़ा, पृथ्वी कहे कि मैं बड़ी तो शेष के माथे क्यों चढ़ी, शेष कहे कि मैं बड़ा भगवान शंकर के गले में क्यों पड़ा, शंकर कहे कि मैं बड़ा तो कैलाश पर्वत पर क्यों खड़ा, कैलाश कहे कि मैं बड़ा तो रावण की उंगली पर क्यों पड़ा, और रावण कहे कि मैं बड़ा तो बाली के बगल में क्यों दबा, और वही बाली कहे कि मैं बड़ा तो राम के बाण से क्यों मरा, और राम कहे कि मैं बड़ा तो हनुमान के पीछे क्यों पड़ा। तो अंत में परिणाम निकला कि संसार में यदि कोई बड़ा है तो भगवान का भक्त है, क्योंकि भक्त किस लिए बड़ा है, क्योंकि भक्त सदैव भगवान के नाम के अधीन रहता है। भगवान स्वयं कहते हैं कि अहम भक्त पराधीनो, मैं अपने भक्त के वश में हूँ, सुमिरि पवन सुत पावन नामो, और अपने बस करि राखे रामो। भगवान श्री राम तो भक्तों के अधीन है और हनुमान जी इसी भक्ति का प्रत्यक्ष उदाहरण है। हनुमान जी महाराज को हम और आप सभी प्रणाम करते हैं और यही प्रार्थना करते हैं कि हनुमान जी के जैसा भाव प्रभु हमें भी दे, और जिस प्रकार विभीषण जी को हनुमान जी की कृपा से राम जी का दर्शन हुआ, उसी प्रकार हम और आप सभी को प्रभु श्री राम का दर्शन हो, प्रभु श्री राम की कृपा हम आप सभी पे बनी रहे। इसी आशा के साथ जय श्री राम, जय श्री राधे।